हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 12th चैप्टर 1 संबंध एवं फलन एक्सरसाइज 1.1 का हम एग्जांपल आज करेंगे। तो हम आपको पहले बताना चाहेंगे कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार में हमने पढ़ा था रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, सार्थक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सममित, सिमेट्रिक रिलेशन, संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन। और हम आपको पिछले लेक्चर में ये नहीं बताया था कि अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। फिर से, कोई भी रिलेशन स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो उस संबंध को हम कहेंगे तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ रहा है? तो हमने पढ़ा था कि कोई भी संबंध स्वतुल्य कब होता है, जब प्रत्येक ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए। कहने का मतलब कि अगर कोई भी सदस्य, कोई भी एलिमेंट ए के सदस्य हैं, तो उसके खुद के पेयर आर में होने चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा था सममित संबंध। क्या पढ़ा था? सममित संबंध। ध्यान से देखिएगा, तो सममित संबंध में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका तात्पर्य यह हुआ कि बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए, जहां ए और बी किसका एलिमेंट होगा, ए का होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था संक्रामक संबंध, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी भी आर में हो। कहने का मतलब ए कॉमा बी आर में है तथा बी कॉमा सी भी आर में है, तो इसका तात्पर्य यह होना चाहिए कि ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तो ऐसे संबंध को हम संक्रामक संबंध कहेंगे। मतलब कहने का मतलब कोई भी संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे और 5 देखेंगे, बारीकी से समझेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस 2 को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका हल देखेंगे। निश्चित रूप से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप घबराइएगा नहीं। देखिए क्वेश्चंस 2 क्या कह रहा है, बच्चों कि क्वेश्चंस 2 का हल बता रहे हैं आपको। क्वेश्चंस 2 का हल ध्यान से देखिए, हल किसका चल रहा है, तो क्वेश्चंस 2 का चल रहा है। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए कि टी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय है। मतलब टी क्या है आपका, एक सेट है। टी क्या है आपका, एक सेट है, और समतल में जितने भी त्रिभुज हैं इनमें टी में आपके समस्त त्रिभुज है, इसमें T1, T2... कहने का मतलब आपको एक सेट दे रखा है, और वह सेट क्या है, टी है, और टी में क्या है, तो हम कहेंगे कि जितने भी समतल में त्रिभुज हैं ये टी में हैं। उसके बाद आपको रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन आपको दे रखा है कि आर आपको डिफाइन कर रहा है कि सभी क्रमिक युग्म का सदस्य है, जहां आपको बोल रहा है कि T1, T2 के सर्वांशम है। ये आपको एक संबंध दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, सर्वांशम है, ठीक है, आप देखिए ध्यान से, सर्वांशम है। तो आपको बताना क्या है, ध्यान से देखिए, आपको बताना है कि एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि ये आर क्या होगा, आर क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो फिर से हम आपको बताएंगे कि तुल्यता संबंध कब कहेंगे, अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है,
तो हम उस संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं, लिखेंगे चूंकि चूंकि T1, T2 belongs to R, इसका तात्पर्य हो गया कि त्रिभुज T1 स्वयं के सर्वांगसम होता है। इसीलिए संबंध R, इसीलिए कहेंगे कि संबंध R स्वतुल्य है। ध्यान से देखिए, बताइए, आपको कह रहा है कि R में क्या है कि T1 T2 के सर्वांगसम है, तो खुद त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होगा कि नहीं? खुद त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होगा, इसीलिए हम कहेंगे कि T1 T2 belongs to R, क्योंकि त्रिभुज T1 स्वयं के सर्वांगसम होता है। अब देखिए, लिखेंगे चूंकि T1 T2 belongs to R, आपको दे रखा है कि T1 T2 R में है, इसका तात्पर्य आपको बोल रहा है कि T1 जो है T2 के सर्वांगसम है, T2 के सर्वांगसम है। ध्यान से देखिए, सर्वांगसम है, तो ध्यान से देखिएगा कि आपका ये ट्रायंगल है T1 सर्वांगसम दे रहा है T2 के त्रिभुज T2 के और ये आपका T1 के। तो बताइए, जब कोई भी त्रिभुज T1 T2 के सर्वांगसम होगा, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल T2 भी सर्वांगसम होंगे, किसके? ट्रायंगल T1 के। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या दे रखा है कि T1 T2 belongs to R, मतलब T1 T2 R में है, इसका मतलब T1 T2 के सर्वांगसम है। तो इसका तात्पर्य ये हो गया बच्चों, इसका तात्पर्य ये हो गया कि T2 T1 के भी सर्वांगसम होंगे, T1 T2 T1 के भी सर्वांगसम होंगे। ध्यान से देखिए, होंगे कि नहीं होंगे, बात समझिए। देखिए, आपको क्या कह रहा है कि इस R में T1 T2 है और T1 T2 के सर्वांगसम है। तो हमने वही लिखा कि T1 T2 belongs to R, मतलब R में है, इसका तात्पर्य यह हो गया कि T1 T2 के सर्वांगसम है। जब T1 T2 के सर्वांगसम होगा, तो हम कह सकते हैं कि T2 T1 के भी सर्वांगसम होगा, इसका तात्पर्य यह हो गया कि T2 T1 belongs to R for T1 T2 belongs to T। बात समझ में आया कि नहीं, फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि T1 T2 belongs to R, कहने का मतलब कि T1 T2 इस R में है, इसका मतलब T1 T2 के सर्वांगसम है, रिलेशन के मुताबिक। तो जब देखिए कि T1 T2 के सर्वांगसम होगा, तो T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा? तो हमने लिखा कि चूंकि T1 T2 belongs to R, इस R में है, इसका तात्पर्य यह हो गया कि T1 T2 के सर्वांगसम है। इसका ये तात्पर्य हुआ कि T2 T1 के भी सर्वांगसम होगा, अतः हम कह सकते हैं कि T2 T1 belongs to R, जहां T1 T2 किसके अवयव हैं, तो हम कहेंगे T के। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, इसीलिए संबंध R क्या हो गया? सममित हो गया। क्या हो गया बच्चों? सममित है। बात समझ में आ रहा है? अब तीसरा कंडीशन देखिए, ध्यान से देखिएगा तीसरा कंडीशन। मान लीजिए
मान लीजिए, माना कि टी वन कॉमा टी टू बिलोंग्स टू आर। देखिए हमने क्या माना, हमने माना कि टी वन कॉमा टी टू इस आर में है। इसका तात्पर्य क्या हो गया बच्चों, इसका तात्पर्य हो गया कि टी वन जो है टी टू के क्या है, टी टू के सर्वांशम है। क्या है? सर्वांशम है। ठीक है बच्चों, हमने माना तथा 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 टी टू कॉमा टी थ्री बिलोंग्स टू आर। हमने ये भी माना कि टी टू कॉमा टी थ्री इस आर में है। इसका ये तात्पर्य हो गया कि टी टू जो होगा टी थ्री के सर्वांशम है। ध्यान से देखिएगा, हमने ये माना कि T1 T2 जो है इस R में है। अगर T1 T2 इस R में है तो इस रिलेशन को फॉलो करता होगा करेगा। देखिए हमने माना कि T1 T2 इस R में है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि T1 T2 के क्या है, सर्वांगसम है। तथा हमने ये भी माना कि T2 T3 भी इस R में है। इसका मतलब T2 T3 के सर्वांगसम होगा। तो इसका तात्पर्य ये हो गया बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि T1 T3 के सर्वांगसम होगा, के भी सर्वांगसम होगा, के सर्वांगसम है। देखिए आपको हम बता देते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल T1 है। T1 किसके सर्वांगसम है? ट्रायंगल T2 के। ध्यान से देखिए, और आपका ट्रायंगल T2 सर्वांगसम है ट्रायंगल T3 के। ध्यान से देखिए, ट्रायंगल T1 सर्वांगसम ट्रायंगल T2, ट्रायंगल T2 सर्वांगसम ट्रायंगल T3 के। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल T1 सर्वांगसम होगा ट्रायंगल T3 के, होगा कि नहीं? तो हमने क्या माना बच्चों, आप ध्यान से देखिए, आपको ये मान के हमने ये मान के चला कि T1 T2 बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब कि T1 T2 इस आर में है। जब इस आर में है, इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो करता होगा, मतलब T1 T2 के सर्वांगसम है। हमने ये भी माना कि T2 T3 भी इस आर में है, मतलब T2 जो होगा T3 के सर्वांगसम होगा। तो ध्यान से देखिए कि आपका ट्रायंगल T1 सर्वांगसम ट्रायंगल T2 और ट्रायंगल T2 सर्वांगसम ट्रायंगल T3 के। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल T1 जो होगा ट्रायंगल T3 के भी सर्वांगसम होगा। इसका तात्पर्य क्या हो गया बच्चों, तो हम कहेंगे कि T1 T3 भी R में है। इसका तात्पर्य ये हो गया बच्चों, इसका तात्पर्य ये हो गया कि T1 T3 belongs to R for all T1 T2 T3 belongs to T। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए ये संबंध जो होगा आपका संबंध R संक्रामक भी है। क्या है बच्चों? संक्रामक है। तो ध्यान से देखिए, बात समझ में आ रहा है? तो ये संबंध सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इसलिए हम कह सकते हैं अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। ध्यान से देखिए, तुल्यता हो गया। हमने बताया था कि अगर कोई भी संबंध सतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो हम उस संबंध को क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसे। अब हम क्वेश्चन टू करेंगे। ध्यान से देखिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन टू को देखेंगे।
तो देखिए सॉरी क्वेश्चन थ्री को देखेंगे, हमने एग्जाम्पल का क्वेश्चन टू आपको समझाया, एक बार फिर आपको समझा देते हैं। आपका एक रिलेशन दे रखा है कि T1 कॉमा T2 इस R में है और T1 जो है T2 के सर्वांशम है, तो कोई भी ट्रायंगल स्वयं के सर्वांशम होगा कि नहीं। इसका मतलब T1 कॉमा T1 इस R में है, इसका मतलब होगा कि त्रिभुज T1 जो है स्वयं के सर्वांशम होता है। तो ये संबंध आपका क्या हो गया, सतुल्य। अब हमने क्या किया, अब हमने लिखा कि T1 T2 इस R में है, मतलब T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, मतलब ये इस R में है। इसका मतलब जब T1 कॉमा T2 इस R में है, इसका मतलब T1 जो होगा T2 के सर्वांशम होगा। तो कोई भी ट्रायंगल मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल है T1 और दूसरा ट्रायंगल है T2, ये आपस में सर्वांशम है, तो आप कह सकते हैं कि T2 ट्रायंगल जो भी होगा, ट्रायंगल T2 जो होगा T1 के भी सर्वांशम होगा। इसका मतलब कि T2 कॉमा T1 भी इस R में है, अतः संबंध R क्या है, संबंध R क्या होगा, सममित होगा। हमने ये मान लिया कि चलिए हमने ये माना कि T1 कॉमा T2 इस R में है, इसका मतलब T1 T2 के सर्वांशम है। और हमने ये भी माना कि ट्रायंगल T2 और कॉमा ट्रायंगल T3 इस R में है, इस R में है, इसका मतलब जब T2 ट्रायंगल T3 इस R में है, इसका मतलब T2 T3 के सर्वांशम होगा। तो सोचिए कोई भी ट्रायंगल T1 T2 के सर्वांशम है और T2 ट्रायंगल T3 के सर्वांशम है, तो T1 T3 के सर्वांशम होगा, मतलब T1 कॉमा T3 भी इस R में है, इसलिए संबंध R संक्रामक है। कोई भी संबंध जब सतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रामक भी होता है, तो संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। बात समझ में आ गया। अब चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल थ्री, देखिए एग्जांपल थ्री को आप पढ़िए, ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको भी समझ लीजिए बारीकी से। देखिए क्वेश्चन तीन में आपको क्या कह रहा है कि क्वेश्चन थ्री में कह रहा है कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। मतलब आपका एक सेट L है और सेट L में जितने भी लाइन है समतल में है, ये सिर्फ सभी L में है, ठीक है। और आपको एक संबंध दे रखा है, संबंध क्या है, देखिए R दे रखा है कि L1 L2 कह रहा है कि सभी क्रमित युग्म का समुच्चय है जहां L1 L2 पर लंब है। ये आपको रिलेशन दे रखा है, पर लंब है, ध्यान से देखिए, ये आपको रिलेशन दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है कि समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R सममित है, R सिमेट्रिक है, किंतु न तो सतुल्य है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, और न ही ट्रांजिटिव है। तो ध्यान से देखिए अब हम इसको, इसका हल हम आपको बता रहे हैं, लिखेंगे चूंकि, ध्यान से देखिएगा कि चूंकि L1 does not belongs to R, ठीक है, इस R में नहीं है, कारण बता रहे हैं क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। ध्यान से देखिए, कोई भी लाइन स्वयं पर लंब नहीं होता बच्चों। तो देखिए एक आपका ये लाइन है और एक दूसरी लाइन है, ये स्वयं पर लंब नहीं होगा, पैरेलल होगा। कोई भी लाइन स्वयं पर लंब नहीं होता है, स्वयं के समानांतर होता है, इसीलिए L1 कॉमा L2
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं प्रलंब नहीं हो सकता है। इसीलिए संबंध आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे चूंकि L1, L2 belongs to R, कहने का मतलब L1, L2 इस R में है, इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो करता होगा। इसका तात्पर्य यह हो गया कि L1, L2 पर लंब है, L2 पर लंब है। ध्यान से देखिएगा, बात ध्यान से देखिएगा कि L1, L2 इस R में है, इसका मतलब L1, L2 पर लंब है। L1 किस पर लंब है? L2 पर है। ध्यान से देखिए, हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताते हैं। देखिए ये आपका लाइन हो गया L2 और ये आपका हो गया L1। ध्यान से देखिए कि अगर कोई भी लाइन अगर L1 L2 पर 90 डिग्री बना रहा है, लंब है, तो L2 भी जो होगा L1 पर 90 डिग्री बनाएगा। इसका तात्पर्य यह हो गया बच्चों कि L2 भी जो होगा L1 पर लंब होगा, L1 पर लंब है। ध्यान से देखिए फिगर के माध्यम से, ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन L2 पर लंब है तो ध्यान से देखिएगा कि ये L2 भी जो होगा इस लाइन पर क्या होगा, 90 होगा। इसका तात्पर्य ये हो गया कि L2, L1 belongs to R। ये बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। फॉर L1, L2 belongs to N। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए बच्चों कि L1, L2 इस R में है। ध्यान से देखिएगा कि L1, L2 इस R में है, इसका मतलब L1, L2 पर लंब होगा। तो कोई भी रेखा एक दूसरे पर लंब होता है, ये बात आपको मालूम है कि अगर L1, L2 पर लंब है तो L2 भी जो होगा L1 पर लंब होगा, मतलब L2, L1 भी इस R में है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए संबंध आर आर क्या हो गया? सममित हो गया, सममित है। ठीक है बच्चों, इसीलिए संबंध आर क्या है? सममित है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक। तो ध्यान से देखिए, अब हम आपको बताते हैं। मान लीजिए, लेट कर लिया हमने, माना कि L1, L2 belongs to R। मतलब हमने ये माना कि L1 और L2 जो है इस R में है, इसका मतलब L1, इसका तात्पर्य ये हो गया बच्चों कि L1 जो लाइन होगा L2 पर क्या होगा? L2 पर लंब है। ध्यान से देखिए और तथा L2, L3 भी इस R में है। हमने ये माना कि L2 जो है, ध्यान से देखिए, ये आपका जो L2, L3 भी इस R में है, इसका मतलब होगा कि L2 जो है L3 पर लंब है। इसका तात्पर्य ये हो गया बच्चों कि L2 जो होगा L3 पर लंब है। तो ध्यान से देखिए बच्चों कि L1, ध्यान से पहला केस में देखिए, L1 क्या है? L2 पर लंब है, और L2 जो है L3 पर लंब है। ध्यान से देखिए अगर आप इसको L1 ले लेते हैं और इसको आप L2 ले लीजिए, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए L1 क्या है? L2 पर लंब है, और L2 जो है L3 पर लंब है। देखिए ये आपका L3 है। ध्यान से देखिए बच्चों कि L1 जो है ध्यान से देखिए, ये जो आपका L1 है ये L2 पर 90 डिग्री बना रहा है,
और L2 जो है, ये जो आपका L2 देख रहे हैं, ये जो लाइन L2 है L3 पर क्या बना रहा है, 90 बना रहा है, तो बताइए L1 और L3 में क्या रिलेशन होगा, तो हम कहेंगे कि L1 L3 के समानांतर है। तो इसका तात्पर्य क्या मिला बच्चों, इसका तात्पर्य आपको ये मिला, इसका तात्पर्य ये मिला कि L1 L1 समानांतर L3 के है, L1 समानांतर L3 है। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या है कि L1 और L3 में रिलेशन क्या रहा है, L1 और L3 में रिलेशन समानांतर हो गया, इसका तात्पर्य ये हो गया बच्चों, ध्यान से देखिए L1 समानांतर क्या है F, L3 क्या है, इसका तात्पर्य ये हो गया कि L1, L3 does not belongs to R। देखिए ध्यान से हमने ये माना बच्चों कि L1 जो है L2 के क्या है, L1 कॉमा L2 इस R में है, मतलब L1 L2 पर लंब है। हमने ये भी मान लिया कि L2 L3, L2 कॉमा L3 इस R में है, इसका मतलब L2 जो होगा L3 पर लंब है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा कि जब कोई भी लाइन L1 L1 जो है, L1 जो है L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो L1 और L3 में क्या रिलेशन होगा, तो हम कहेंगे समानांतर। तो इन दोनों कथन से हमने क्या पाया कि L1 जो लाइन है, L1 जो लाइन है L3 के क्या है, समानांतर है, मतलब कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, समानांतर है, होना क्या चाहिए था लंब, तो L1 समानांतर L3 है, इसका तात्पर्य यह हो गया कि L1 कॉमा L3 does not belongs to R, मतलब L1 कॉमा L3 इस R में नहीं है। तो इसीलिए कहेंगे कि इसीलिए संबंध R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो पहले हमने क्या देखा, पहले हमने सतुल्य चेक किया, सतुल्य नहीं है, और उसके बाद हमने देखा कि संबंध R सममित है। देखिए ध्यान से, संबंध R क्या है, सममित है, क्यों, क्योंकि देखिए L1 L1 कॉमा L2 इस R में है, मतलब L1 L2 पर लंब है। तो कोई भी लाइन मान लीजिए कि L1 L2 पर लंब है, इसका मतलब L2 भी क्या होगा, L1 पर लंब होगा, इसका तात्पर्य यह हो गया कि L2 L1 पर भी लंब होगा, इसका मतलब हो गया कि L2 कॉमा L1 इस R में है, संबंध R क्या हो गया, सममित। अब हमने मान लिया बच्चों कि L1 कॉमा L2 इस R में है, तो जब L1 कॉमा L2 इस R में है, इसका मतलब L1 जो होगा L2 पर लंब होगा। हमने ये भी मान लिया कि चलिए कि L2 L3 के लंब है, इसका मतलब L2 जो होगा L3 पर लंब होगा। तो हमने देखा कि जब कोई L1 L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो हमने क्या पाया कि L1 जो होगा L3 के समानांतर होगा, और आपका कंडीशन क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, आपको क्या मिला, तो हमने बोला कि L1 समानांतर L3 है, इसका मतलब L1 कॉमा L3 does not belongs to R, मतलब इस R में नहीं है, इसलिए संबंध R संक्रामक नहीं है। बात समझ में आ रहा है, चलिए तेजी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन चार करेंगे, उसके बाद हम पांच करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, सिर्फ आपको घबराना नहीं है और वीडियो को पाउच नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपका ये चैप्टर है संबंध और फलन, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। देखिए सिद्ध कीजिए कि समुच्चय,
एक समुच्चय आपको दे रखा है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका फोर हो रहा है, माना माना कि सेट जो आपको दे रखा है एक दो तीन, माना कि सेट आपका ए है, ये आपको दे रखा है एक कॉमा टू कॉमा थ्री, और एक आपको संबंध दे रखा है, आर आपको डिफाइन करके दे रखा है वन वन कॉमा वन वन, उसके बाद आपका है टू टू, उसके बाद आपका है थ्री 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 थ्री, उसके बाद आपका है वन टू, उसके बाद आपका टू थ्री। देखिए आपको दे रखा है एक संबंध दे रखा है, वन वन का पेयर है, टू टू का पेयर है, थ्री थ्री का पेयर है, वन टू का पेयर है और टू थ्री का पेयर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध सतुल्य है परंतु न तो सममित है न ही संक्रामक है। तो देखिए लिखेंगे चूंकि चूंकि एक कॉमा वन कॉमा टू कॉमा टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर। देखिए खुद का पेयर है फॉर ऑल वन कॉमा टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू ए। ध्यान से देखिए क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने सतुल्य संबंध पढ़ा था ए के प्रत्येक अवयव के लिए, ए के प्रत्येक अवयव के लिए आर में खुद का पेयर होना चाहिए, मतलब सेट ए में जितने भी अवयव होंगे उनके खुद का पेयर आर में होना चाहिए। सेट ए में जितने भी अवयव हैं अगर आर में उनका खुद का पेयर आपको दिखता है तो वह संबंध क्या होगा, सतुल्य होगा। इसीलिए संबंध आपका क्या होगा, इसीलिए संबंध आर सतुल्य है, सतुल्य है, सतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए अब आपको ट्रांजिटिव के लिए चेक करना होगा, सॉरी आपको सिमेट्रिक के लिए चेक करना होगा, मतलब सममित के लिए। तो ध्यान से सममित के लिए आपने क्या पढ़ा था कि अगर किसी भी आर में ए कॉमा बी है, अगर किसी भी आर में ए कॉमा बी है तो उस आर में बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ध्यान से देखिए ये आपने पढ़ा था, तो ध्यान से देखिएगा कि अगर आप इसमें देखिएगा कि वन टू तो आर में है, लिखेंगे चूंकि वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर में है कि नहीं, देखिए बट टू कॉमा वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए इसका उल्टा नहीं है, वन टू है तो टू वन भी होना चाहिए, टू थ्री है तो थ्री टू भी होना चाहिए, सिर्फ एक ही कंडीशन आप दिखाइए। देखिए हम बोला कि चूंकि वन कॉमा टू इस आर में है बट टू कॉमा वन इस आर में नहीं है, इसीलिए संबंध आर सममित नहीं है, संबंध आर सममित नहीं है। बात समझ में आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा अब देखिए आपको संक्रामक के लिए, ध्यान से देखिए चूंकि ध्यान से देखिएगा कि चूंकि वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर। देखिए ध्यान से देखिएगा वन कॉमा टू इस आर में है, अगर आप वन का संकेत अगर आप ए लेते हैं और दो का संकेत बी लेते हैं तो यहां भी आपका दो है, इसका संकेत क्या होगा बी, और तीन को अगर आप सी ले ले तो आपको क्या चाहिए, आपने संक्रामक के लिए पढ़ा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका तात्पर्य होना चाहिए कि उस आर में ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों कि वन कॉमा टू इस आर में है और टू कॉमा थ्री भी, और तथा दो कॉमा थ्री भी इस आर में है बिलोंग्स टू आर, बट वन कॉमा थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए संबंध आर
संबंध आर, संबंध आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक संक्रामक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है बच्चों। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, अगर किसी आर में ए कॉमा बी है और उस आर में बी कॉमा सी भी है तो उस आर में ए कॉमा सी भी होना चाहिए। देखिए इस आर में वन कॉमा टू है, इस आर में वन कॉमा टू है तथा दो कॉमा थ्री भी है तो वन कॉमा थ्री भी होना चाहिए। देखिए इस आर में आपको वन कॉमा थ्री कहीं नहीं दिखेगा, इसलिए संबंध आर क्या है, संक्रामक भी नहीं है। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन हम पांच करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पांच, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमने बताया था क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन फोर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्वेश्चन फाइव करेंगे, तो क्वेश्चन फाइव तो हम करेंगे, तब तक आप जब तक हम बोर्ड को साफ कर रहे हैं तब तक आप क्वेश्चन फाइव को तेजी से पढ़ लीजिए। ध्यान से देखिए, सिद्ध करना है कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड, जेड क्या है, एक सेट है, किसका है, तो हम कहेंगे इंटीजर का। इंटीजर आपको पता है, इंटीजर आपको पता है कि नहीं, तो हम इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। इंटीजर कहते हैं किसको, पूर्णांक कहते हैं, कि पूर्णांक में शून्य को भी लीजिए, सभी प्राकृत संख्या और सभी प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को मिलाने से जो संख्या का परिवार बनता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। फिर से जीरो, शून्य और सभी प्राकृत संख्या को लीजिए और सभी प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को लीजिए और तीनों को मिला दीजिए तो आपका पूर्णांक बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। और आपको आर डिफाइंड किया गया है, देखिए आर आपको क्या डिफाइंड कर रहा है, सभी क्रमित युग्म का, सभी क्रमित युग्म का समुच्चय है जहां जहां संख्या दो जो है, ध्यान से देखिए, संख्या संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करता है, को विभाजित करता है, ये आपको दे रखा है रिलेशन में, विभाजित करता है ये आपको दे रखा है। मतलब आपने बच्चा क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी संख्या दो से डिवाइड होती है तो वह संख्या सम संख्या होती है, इवेन नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं, देखिए तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि चूंकि ध्यान से देखिएगा कि ए कॉमा ए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इसका तात्पर्य हो गया कि ए माइनस ए, यानी बी के पैलेस पर भी आपको क्या रखना होगा ए, तो अब देखिए ए माइनस ए आपको क्या मिल रहा है, जीरो, मतलब सम संख्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। तो सम संख्या क्या होती है, दो से डिवाइड होती है, मतलब दो जो है जीरो को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसीलिए संबंध, इसीलिए संबंध संबंध आर स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है बच्चों। अब आपको देखना है सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए, तो चलिए लिखा चूंकि चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, आपको सममित के लिए क्या चेक करना है, अगर किसी आर में ए कॉमा बी है, अगर उस आर में ए कॉमा बी है तो उस आर में बी कॉमा ए भी होना चाहिए, यह आपका सममित का सिमेट्रिक का रिलेशन है। इसका तात्पर्य यह हो गया बच्चों कि ए माइनस बी बराबर क्या मिलेगा, सम, सम, मतलब दो जो है ए माइनस बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका तात्पर्य यह हो गया, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसका तात्पर्य यह हो गया कि संख्या संख्या दो, संख्या दो ए माइनस बी को क्या कर रहा है, संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करता है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं बच्चों, घबराना नहीं है, विभाजित करता है, ध्यान से देखिए, इस प्रकार लिखिए या आप इतना लिख दीजिए। तो देखिए कि ए माइनस बी
आपको क्या मिल रहा है, सम संख्या। तो देखिए जैसे चार क्या है, एक सम संख्या है, मतलब दो चार को विभाजित करता है, तो इसका निगेटिव क्या होगा, माइनस फोर, भी माइनस फोर को भी दो क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका तत्पर आप ये लिख सकते हैं माइनस माइनस ए माइनस बी, मतलब इस संख्या का निगेटिव भी क्या होगा, ये एक संख्या है और ये संख्या क्या है, सम है, तो सम संख्या का निगेटिव भी क्या होता है, सम संख्या होगा, सम संख्या है। क्या है बच्चों, देखिए अगर मान लीजिए कि दो दो, ध्यान से देखिए, चार माइनस दो आपको दो मिलता है, मतलब सम संख्या मिलता है। इसको आप थोड़ा सा बड़ा अंक ले लीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है, छह, तो दो माइनस आठ कीजिएगा तो क्या मिलेगा, माइनस छह मिलेगा, लेकिन दोनों संख्या दो से क्या है, डिवाइड है। तो हमने लिखा इसका निगेटिव क्या होगा, इस संख्या का निगेटिव भी क्या होगा, सम होगा। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, माइनस को अंदर भेजेंगे, तो जब माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये माइनस बी जो है ये प्लस बी हो गया, और ए जो प्लस है ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये भी आपको क्या देगा, सम संख्या देगा कि नहीं देगा, सम संख्या देगा, मतलब दो ए दो बी माइनस ए को विभाजित करेगा। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, मतलब देखिए बी माइनस ए सम मिल रहा है, यानी बी बी कॉमा ए इस आर में है, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए संबंध, इसीलिए संबंध, इसीलिए संबंध आर क्या हो गया, सममित हो गया। क्या हो गया बच्चों, सममित हो गया, सिमेट्रिक, क्या हो गया, सिमेट्रिक। बात समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हम करेंगे, सॉरी आगे चलेंगे। अब आपको ट्रांजिटिव चेक करना होगा, क्या करना होगा बच्चों, ट्रांजिटिव चेक करना होगा। तो चलिए करते हैं। मान लिया बच्चों, मान लीजिए कि माना, माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। देखिए हमने माना कि ए कॉमा बी इस आर में है, मतलब संख्या दो ए माइनस टू को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका तात्पर्य यह हो गया कि ए माइनस बी आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा, सम मतलब सम संख्या मिलेगा, मतलब दो जो है ए माइनस को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तथा हमने ये भी माना, तथा तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हमने ये माना कि बी कॉमा सी भी इस आर में है, मतलब बी माइनस सी का वैल्यू सम दे रहा है। हमने मान लिया, हमने मान लिया कि बी कॉमा सी इस आर में है, तो बी कॉमा सी इस आर में है तो बी माइनस सी का वैल्यू सम मिलेगा, मतलब वह सम संख्या दो से क्या होगा, विभाजित होगा। इसका तात्पर्य हो गया कि बी माइनस सी बराबर सम। ध्यान से देखिए, बिल्कुल मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर आप दो सम संख्या को जोड़िएगा, अगर दो सम संख्या को जोड़िएगा तो आपको आपका रिजल्ट भी सम संख्या होगा। तो इसका यह तात्पर्य हो गया बच्चों कि अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, a माइनस बी और b प्लस सी, सॉरी b माइनस सी को अगर ऐड करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा, क्योंकि दो सम संख्या का योग भी सम संख्या होता है। ध्यान से देखिए, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, a माइनस बी, अब इसको प्लस से गुणा करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, सम मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि b से b कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस सी बराबर क्या मिला, सम मिला। मतलब a माइनस सी, a माइनस सी का वैल्यू सम संख्या, इसका मतलब दो a माइनस सी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसका तात्पर्य क्या हो गया बच्चों कि a कॉमा c भी इस r में है। इसका तात्पर्य यह हो गया बच्चों कि इसका तात्पर्य यह हो गया कि a कॉमा c भी इस r में है, फॉर ऑल, फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू z। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बात समझ में आया, फिर से हम आपको समझा देते हैं। देखिए हमने बोला कि a कॉमा a इस r में है, तो
तो अगर ए कॉमा ए इस आर में है तो इसका वैल्यू सम संख्या आना चाहिए, मतलब ए माइनस ए दो को विभाजित, दो ए माइनस ए को विभाजित करना चाहिए। तो हमने देखा कि ए माइनस ए बराबर जीरो बराबर सम संख्या, मतलब सम संख्या दो से क्या होती है, विभाजित होती है, मतलब दो जीरो को विभाजित करता है। तो इसीलिए आर क्या हो गया सतुल्य, हमने हमने लिखा कि चूंकि ए कॉमा बी इस आर में है तो ए माइनस बी क्या मिलेगा, सम मिलेगा। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तो जब a माइनस बी सम मिलेगा तो उसका उसका माइनस भी क्या मिलेगा, सम मिलेगा, उस संख्या का माइनस भी क्या मिलेगा, सम। तो हमने बोला कि माइनस a माइनस b भी सम संख्या होगा। अब हमने माइनस को इसके अंदर घुसा दिया तो माइनस b प्लस हो गया और प्लस a माइनस हो गया, तो b माइनस a भी आपका सम संख्या है, इसका मतलब b कॉमा a इस r में है, इसलिए r सममित है। अब हमने ये माना कि a कॉमा b इस r में है, मतलब a माइनस b बराबर सम, मतलब दो a माइनस b को विभाजित करता है, तथा b कॉमा c भी इस r में है, मतलब b माइनस c सम, मतलब दो b माइनस c को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमने दोनों संख्या को जोड़ेंगे, जब दो सम संख्या को जोड़िएगा तो आपको सम संख्या भी मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। हमने इसको तोड़ा a माइनस b b माइनस c, तो b से b कैंसिल आउट हो गया, ये आपको सम मिला, तो a माइनस c क्या मिला, सम। a माइनस c सम मिलने का मतलब a कॉमा c इस आर में है। तो बात समझ में आ रहा है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।